गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 10 द प्रेजेंट टेंस सिंपल एंड कंटीन्यूअस के बारे में आपको रीड कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 57 ओपन करेंगे और मेरे साथ इसे रीड करेंगे और समझेंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो अभी भी चल रहा है, जो भी कोई काम हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शन इन द प्रेजेंट दैट टेक प्लेस वंस और रिपीटेडली, हैपन्स वन आफ्टर द अदर, हैव जनरल वैलिडिटी और आर डिटरमाइंड बाय अ टाइम टेबल और शेड्यूल। यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई भी किसी भी जगह या किसी भी चीज़ में बार बार किसी काम का होना बताता है कि ये काम रोज़मर्रा होता है। जैसे आप कहें कि आप डेली स्कूल जाते हैं, डेली 8 बजे, तो ये रोज़ का है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, जो कि एक के बाद एक होता है, यानी रेगुलरली होता है, एक के बाद एक होता है, या शेड्यूल के हिसाब से, इस सूची के हिसाब से या टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। कंस्ट्रक्शन, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है हम देखेंगे। इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में वी यूज़ द वर्ब इन द इन इट्स बेस फॉर्म। वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर, वर्ब का इस्तेमाल हम उसकी बेस फॉर्म में ही करते हैं। बेस फॉर्म हमने आपको बताई थी, यानी कि जो नॉर्मल वर्ब होती है उसमें ही करते हैं। वी ओनली नीड टू एड एन एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमें बस जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो पॉजिटिव में बेस फॉर्म के साथ में एस लगाना पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब उसकी बेस फॉर्म में ही यूज़ की जाती है। जब पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम वर्ब में और सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन जो हो वो सिंगुलर हो, वो उसके साथ में हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव जिनमें ना, नहीं और कभी नहीं का इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर क्वेश्चंस में जब कोई प्रश्न वगैरह पूछते हैं उनके समय पे हम बस उसमें डू और डज का इस्तेमाल कर देते हैं। वी जनरली नीड टू ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, डू और डज इन द थर्ड फॉर्म पर्सन सिंगुलर। डू करते हैं हम फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के लिए, जब थर्ड फॉर्म हमारी थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर यानी एक वचन होता है तब हम उसमें डू की जगह डज लगाते हैं वर्ब के साथ। द वर्ब इट्सेल्फ देन रिमेन्स इन द बेस फॉर्म, और जो वर्ब होती है वो खुद बेस फॉर्म में ही रहती है, ऐसा नेगेटिव और क्वेश्चन में होता है। यहाँ देखेंगे आप इस टेबल में सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव नेगेटिव सब्जेक्ट देखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट इफ़, यू, वी या दे है, पॉजिटिव के टाइम पे हम लगाएंगे आई स्पीक। अगर नेगेटिव होगा, यहाँ देख रहे हैं आप ये वर्ब की बेस फॉर्म है, नेगेटिव में आई डू नॉट स्पीक, बस डू लग जाता है, और क्वेश्चन में भी डू आई स्पीक। यहाँ ये थर्ड पर्सन है, ही शी इट, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम बेस फॉर्म के साथ में एस लगा है स्पीक्स, और नेगेटिव में बस डू की जगह डज लगा है, ही डज नॉट स्पीक, बेस फॉर्म वही रहती है, डज ही स्पीक, बेस फॉर्म वही रहती है। सब्जेक्ट में जब सब पॉजिटिव होता है तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, नेगेटिव में वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में डू लगाते हैं, और क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है। जबकि थर्ड फॉर्म अगर सिंगुलर होती है तो बेस फॉर्म के साथ में हम एस लगाते हैं वर्ब की, और नेगेटिव में बेस फॉर्म के साथ में डज लगता है, और क्वेश्चन में भी बेस फॉर्म के साथ डज लगता है। समझ में आया बच्चों आपको? रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्टर डेविड इज़ ए बस ड्राइवर, मिस्टर डेविड जो हैं वो बस के ड्राइवर हैं, वर्तमान में है ये। एवरी डे ही गेट्स अप एट 7 AM एंड प्रिपेयर फॉर हिज डे, रोज़ाना वह 7 बजे उठते हैं और अपने दिन के लिए तैयार होते हैं। तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बताया, कोई भी चीज़ जो रिपीटेडली बार बार होती है या अपने शेड्यूल के हिसाब से या रेगुलरली होती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ही शावर्स, ईट्स हिज ब्रेकफास्ट एंड पुट्स ऑन हिज
यूनिफॉर्म। वह नहाते हैं, अपना नाश्ता करते हैं और फिर अपनी यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं। हिज वाइफ ड्राइव्स हिम टू द स्टेशन वेयर ही चेक्स इन विद हिज सुपरवाइजर। यानी कि जो उनकी वाइफ हैं वो उनके साथ स्टेशन तक जाती हैं जहाँ पे वो सुपरवाइजर से मिलती हैं। देन ही गेट्स ऑन बस, और उसके बाद वह यानी कि जो मिस्टर डेविड हैं वो अपने बस में जाते हैं 405 यानी 405 नंबर की बस में। स्टार्ट द इंजन, इंजन चलता है। ही पुल्स आउट ऑफ द पार्किंग लॉट एंड बिगिंस हिज रूट। इसके बाद इंजन वो चालू करते हैं, मिस्टर डेविड बस ड्राइवर है ना, वो अपना बस का इंजन चालू करते हैं और अपनी पार्किंग में से उसे निकाल के अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। एट हिज फर्स्ट स्टॉप, अपने पहले स्टॉप पे ही पिक्स अप मिसेस एंजेला हु लिव्स इन द रेड हाउस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द मेन स्ट्रीट। सबसे पहले वो स्टॉप से मिसेस एंजेला को लेते हैं जो कि गली के कॉर्नर में लाल घर में रहती हैं। She works at the post office and she has to be there by 9 a.m. वह एक पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं, डाकखाने में काम करती हैं जहाँ उन्हें 9 बजे तक पहुँचना होता है। At the next, इसके बाद स्टॉप यानी कि अगले स्टॉप पर द जेम्स ट्विग्स गेट्स ऑन द बस। जो जेम्स ट्विग्स हैं, ट्विंस हैं, वो बस में चढ़ते हैं। दे अटेंड क्लास एट किड्स एलिमेंट्री स्कूल, जो कि किड्स एलिमेंट्री स्कूल में अपनी क्लासेस लेते हैं। मोर चिल्ड्रन गेट ऑन द नेक्स्ट थ्री स्टॉप्स, इसके आगे काफ़ी सारे बच्चे चलते हैं आगे के तीन स्टॉप में। एंड दे राइड अनटिल द बस रीचेज देयर स्कूल, और वो जब तक स्कूल बस जो है स्कूल नहीं पहुँचाती तब तक उसमें रहते हैं। मिस्टर डेविड इन्जॉय सीइंग द किड्स एवरी डे एंड इज़ हैप्पी टू सी देम अगेन इन द आफ्टरनून। मिस्टर डेविड जो हैं वो हर रोज़ प्रतिदिन उन बच्चों को देख के बड़े खुश होते हैं और साथ ही दोपहर में भी उन्हें दोबारा देखकर खुश होते हैं। व्हेन ही ड्राइव्स देम सेफली बैक होम, जब वो उन्हें वापस घर छोड़ने जा रहे होते हैं। द पैराग्राफ गिवन अबव यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म्स टू टेल अबाउट डेविड्स एक्टिविटी। ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं मिस्टर डेविड की एक्टिविटी यानी पूरे दिन का काम बताने में, उनका शेड्यूल बता रहा है ना, तो इसलिए। द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन, हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। द इवेंट्स टेक प्लेस रेगुलरली और हैबिचुअली, जब कोई भी काम जो होता है वो रोज़ किया जाता है या लगातार होता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, रेयरली या ऑफ्टन। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेस फुटबॉल एवरी ट्यूजडे, वो हर मंगलवार को फुटबॉल खेलते हैं। समथिंग इज जनरली वैलिड, कुछ चीज़ें जो कि हमेशा के लिए जनरली वैलिड होती है, हमेशा एकदम सच होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी चीज़ होती है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है, तो ये बात हमेशा की है, वैलिड है हमेशा, जब तक रहेगा तब, जब तक दुनिया है तब तक ये बात सही रहेगी। तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आया बच्चों आपको समझ में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 10 द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको रीड करना है। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।